एक शेर है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, मोहब्बत हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। बस परेशानी यहीं पर है कि निजाम को चलाने वालों को फैसले मंजूर नहीं है, वो फैसलों को मंजूर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि फैसला वो हो जो वो चाहते, और इसी की कोशिश आज से 7-8 महीने पहले की गई थी। 2 दिन पहले अखिलेश जी आए थे इसी माइक से, इसी जगह खड़े होकर मैंने आपसे एक बात कही थी कोई सा टीवी चैनल खोल लीजिए, बस एक डिबेट चल रही है कि आजम खान अपना गढ़ बचा पाएंगे, क्या आजम खान रामपुर की सीट बरकरार रख पाएंगे। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मुकाबला करना तो बहुत दूर, आज से 8 महीने पहले जब से फाजल खान साहब का नाम मौजूद था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी यहां से 55,000 वोटों से जीत गई। यही कैंडिडेट साहब थे, पूरा प्रशासन था और मुरादाबाद वाले हजरत वहीं से बैठकर पूरा चुनाव लड़ा रहे थे। पूरा चुनाव उन्हें पूरे मंडल में बस 2 ही सीटों पर दिलचस्पी थी, एक रामपुर पर और एक स्वार पर। लेकिन नतीजा वही आया जो आप चाहते थे और जो आपका मालिक चाहते, और जब ये जान लिया कि आजम खान साहब को हराना मुमकिन नहीं है, इसलिए साजिश करकर हटा दिया। इसलिए ये उपचुनाव है। लेकिन याद रखिएगा एक बात, हालात वक्त और मुकद्दर किसका कब पलट जाए कुछ नहीं मालूम चलता। मिसाल है आपके सामने ये दरो दीवार, मिसाल है आपके सामने ये किले की ऊंची दीवारें, मिसाल है आपके सामने ये रजा लाइब्रेरी, ये हामिद मंजिल, ये वो बदनसीब शहर था जिसने गुलामी की डोरी मार बर्दाश्त करी, डोरी मार इजाजत नहीं थी किसी शख्स को उस सड़क पर चलने की जिससे नवाब की गाड़ी गुजरती हो, इजाजत नहीं थी किसी इंसान को कि वो 8 फीट से ज्यादा पढ़ सके, इजाजत नहीं थी किसी गरीब इंसान को कि अपने मकान पर पक्की छत डाल सके। लेकिन जब कुदरत ने इंसाफ किया, लोगों ने अपनी ताकत का एहसास किया, तो बताओ जो इसी किले की मैदान में आकर आज से 30-40 साल पहले हाथ उठाकर ये कहते थे कि रामपुर वालों तुम्हारे दामाद को लेकर आया हूं एमपी बना देना, वो 1500 वोट पिछले चुनाव में लेकर आए, और अब तो अल्लाह जाने उसके भी लाले पड़ गए, जहां से लाए थे वहां से भी लात मार के 6 साल को निकाल दिए गए। अब वो कह रहे हैं आजम खान को हराने के लिए भाजपा में भी चला जाऊंगा। सच कहो कोई जगह बाकी नहीं बची जो लेने को तैयार हो। भाजपा वालों का खुद का इतना लंबा जहाज है, हमारे यहां से जितने गए हैं वही मन से उतारे जा रहे हैं। वो ही मन से उतारे जा रहे हैं। पूरा चुनाव
बस थूका नहीं चाट रहे, बाकी सब कर रहे हैं। और मैं तो अभी कह रहा था बैठा हुआ कि चुनाव के खत्म होते होते एक काम जरूर होगा, लोग अपने बच्चों का नाम अब्दुल नहीं रखेंगे। उस अब्दुल की तो ऐसी ऐसी वो हुई है और जिन्होंने अभी तक नाम अब्दुल रख भी दिया होगा वो भी कोशिश करेंगे कि दाखिला अपना कराते में बदल दें। बहुत शुक्रिया सबका। मैं पूरे समाजवादी पार्टी की तरफ से जयंत चौधरी साहब का दिल की गहराइयों से रामपुर की आमद पर शुक्रिया अदा करूंगा और आप सबसे यही उम्मीद करूंगा और यही कहूंगा कि इज्जत जिल्लत रोजी ये देने वाला सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। इसलिए कम से कम जब तारीख लिखी जाए तो मेरा और आपका नाम और मेरे और आपके चेहरों पर बुजदिली का कलंक न लगा हो, क्योंकि मालिक का जब तक उस मालिक का हुक्म नहीं होगा तब तक इस पेड़ का पत्ता नहीं होगा। मेरी आपकी जान कहां से चली जाए? और रामपुर तो मेरे ख्याल से पहला ऐसा शहर होगा जहां जिंदाबाद के नारे लगाने पर मुकदमा हो गया। तारीफ कर तो मुसीबत बुरा करो तो मुसीबत। बहुत शुक्रिया।